हाय गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। सो कैसे आप सब? सो गाइस, आज मैं आया हूँ कनॉट प्लेस में, और कनॉट प्लेस में आज क्या करना है आप यही सोच रहे होंगे, और व्लॉग की स्टार्टिंग आज सड़क से कैसे हो रही है। सो मैं बता देता हूँ, मैं हूँ ये जो रोड है मेरे पीछे, ये है बंगला साहिब वाली रोड, और मैं आज कनॉट प्लेस में आया हूँ इसी रोड पर। आगे जाके रिवोली है, वहाँ पे मैंने टिकट बुक किया है। मैं और योगेश आज मूवी देखने जा रहे हैं, रनवे 34 है, रनवे 34 जो अजय देवगन और जिसमें कैरी मिनाटी ने भी कैमियो किया हुआ है, तो उस मूवी को मैं और योगेश देखने जा रहे हैं। बट अभी बज रहे हैं 2:30 का टाइम हो रहा है, हम थोड़ा सा पहले आ गए, तो सोचा था कि थोड़ा सीपी वगैरह दिखा देंगे, लेकिन सीपी पे भी अभी हम नहीं जा रहे क्योंकि थोड़ी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो हमने डिसाइड किया है कि हम आज जा रहे हैं सैद कैथेड्रल चर्च है, पटेल चौक के पास में ही, मतलब बंगला साहिब के जस्ट साइड में ही है। तो वो अब योगेश को भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो वहाँ पर वेट कर रहा है मेरा योगेश। सो गाइस, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मेरे पीछे है बंगला साहिब, और मैं बंगला साहिब के जस्ट अपोजिट वाले रोड पे सैद कैथेड्रल चर्च है, जिसकी ये आप देख रहे होंगे ये जो रेड कलर की वॉल है, ये उसी चर्च की वॉल है। और मेरे साथ अब योगेश भी आ गए हैं, ठीक है। और आज ना मैं आपको थोड़ा सा एक मैं इंसिडेंट बताना चाहता हूँ जो भी जस्ट हमारे साथ हुआ। वो इंसिडेंट क्या था, हमने PVR रिवोली में टिकट बुक किया, 300 रुपीज़ का टिकट था, ठीक है, दोनों का 600 रुपीज़ का हो गया बुक। अब मेरे पास मेरा बैग भी है, बैग में से मैं कैमरा, बोतल, अम्ब्रेला सब रखता हूँ, ठीक है। तो बोलते हैं कि आप ना ये लगेज जो आपके साथ है यहाँ पर तो सबमिट हो नहीं पाएगा, पीछे जाके आप कर सकते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे भाई, हम टिकट यहाँ ख़रीद रहे हैं अलग, मतलब इतना एक्सपेंसिव टिकट भी ख़रीदें और उसके बाद वहाँ भी जाएं। तो हम वहाँ के वो जगह देख के, अभी हम आपको जगह दिखाएंगे ज़रूर, ठीक है, आफ्टर मूवी। तो वहाँ पे सिर्फ एक अलमारी रखी हुई थी, मतलब उसके भरोसे मैं अपना कैमरा वगैरह सब चीज़ें उसके अलमारी के भरोसे छोड़ दूँ, कह रहे सब वहीं रखते हैं सर। फिर मैंने ये बात करी है कि मतलब वहीं के एक अथॉरिटी से कि भाई मेरा एक कैमरा है और इस तरह से मैं ऐसे नहीं रख सकता हूँ, तो मुझे एक स्पेस चाहिए। मैंने कहा क्या फ़ायदा आपका, हम इतना एक्सपेंसिव टिकट ले रहे हैं और सामान कहीं और रखें, मतलब यहाँ के ही पैसे दें और वहाँ के ही पैसे दें। तो मास सुलट गई है, कोई दिक्कत नहीं है, और अब हम चर्च भी पहुँचने वाले हैं। और गर्मी वैसे तो कह रहा है यश की गर्मी बहुत है, लेकिन मुझे लग नहीं रही है, मुझे नहीं लग रही है मैं क्योंकि अम्ब्रेला लेके आता हूँ, पानी भी साथ लेके आता हूँ, तो मुझे गर्मी कैसे लग सकती है। और एसी तो देखो, एसी तो मेरे सर पे है। तो फाइनली हम चर्च पे पहुंचने वाले हैं, और चर्च भी आज आपको दिखाते हैं, अंदर से पता नहीं अलाउ होगा कि नहीं होगा, बट बाहर से तो दिखाई देगा। सो गाइस, मेरे पीछे सैद कैथेड्रल चर्च है, तो कोशिश करते हैं इसके अंदर जाने की, मतलब जल्दी तो जाएंगे, बट देखते हैं वो शूट वूट करने देंगे उसकी हमें परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है। तो चलो जाते हैं अंदर और देखते हैं। सो गाइज, अभी हम घूम रहे हैं कैथेड्रल चर्च के अंदर। कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे? शांति भरा बहुत ही ज़्यादा। हालांकि मैंने ऐसा फील किया कि हम किसी भी, मतलब यू नो, वर्शिप प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें सबको मतलब कामनेस, पीस, ये सब चीज़ों की अनुभूति होती है। तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि मतलब आप को यहीं पे आके, मतलब जिस भी चीज़ को आप मानते हैं आप वहाँ जाएं, वहाँ पे आपको ज़रूर शांति मिलेगी। सो गाइस, अब हमारा चर्च से जाने का वक्त हो गया है क्योंकि हमारा मूवी का टाइम भी होने ही वाला है, और हमको यहाँ से पैदल चल के जाना है, तो थोड़ा सा टाइम तो वहाँ मेले भी लग जाएगा। बाकी इस चर्च का अगर मैं बताऊँ ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे को कैसा रहा, बहुत ही शांति भरा और मतलब मन को थोड़ा सुकून देने वाला था। और तो चलो अब चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ जिसके लिए हम आए थे मूवी देखने के लिए। दूसरी मंजिल की ओर? नहीं, हमारी मंजिल वही थी। ये तो बाहर का टाइम पास करने का कुछ मिल नहीं रहा था। बंगला साहिब जाते वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता क्योंकि वहाँ थोड़ा लाइन वगैरह का थोड़ा सा चक्कर रहता, और फिर इसका क्या बोलते हैं वहाँ पे लंगर ही मिलता है, लंगर खाने का इसका मन कर जाता, फिर मैं क्या करता, अपना नाम ले ले। नहीं, इसका लंगर खाने का मन कर जाता, इसका मन कर जाता लंगर खाने का,
तो चलो चलते हैं अपने मूवी की तरफ। PVR रिवॉल्यूम हमने टिकट बुक किया, वहीं चलते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ का जो नई दिल्ली की सड़कें हैं, मतलब इतनी बढ़िया सड़कें हैं। इस समय तो कहूँ सारे इंडिया में इस तरह की सड़कें ही होनी चाहिए। ट्रैफिक भी चल रहा है और यहाँ पे एक पूरा का पूरा ग्रीन कॉरिडोर गवर्नमेंट ने यहाँ पे बना रखा है। सारी सड़कें इंडिया की ऐसे ही होनी चाहिए। पता नहीं बस ये कि अपनी NDMC इलाका ही इतना बढ़िया क्यों है दिल्ली में, बाकी जगह तो मतलब मुझे लगता है कभी कभी तो दिल्ली सिर्फ यही है, और जहाँ हम लोग रहते हैं, आप लोग रहते हैं दिल्ली में, इस एरिया को छोड़ के वो सब बस ऐसे ही है, एक्सेप्ट द्वारका। हाँ भाई, द्वारका इसका बहुत महंगा शहर है ना, तो इसकी बात मान लो। बाकी अगर बंगला साहिब है, किसी को घूमने चलना है तो कमेंट कर देना अगली बार। नेक्स्ट व्लॉग में आप ज़रूर बताएं कि कौन मेरे को कंपनी देना चाहता है, तो वो योगेश सर मुझसे मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग में जो भी कमेंट करेगा तो हमारे साथ नेक्स्ट व्लॉग के लिए ज्वाइन कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कोई फीस चार्ज नहीं करते व्लॉग बनाने के लिए, हालांकि हमने खर्च ओपन वैकेंसी है। हम ढूंढते रहते हैं अपनी कंपनियों को कि कहाँ हमारी कंपनी शिफ्ट हुई है। चलो ये देखो GTC दिल्ली की बस, इसमें केजरीवाल जी ने लड़कियों के लिए मुफ्त कर रखा है, हमें पैसे देने पड़ते हैं। पार्शियलिटी ऐसे कौन करता है भाई, मतलब हम कि ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं क्या भाई हम? बिल्कुल भी नहीं। केजरीवाल जी सुन लो, हमारी भी कुछ है, ठीक है, या तो सच्ची में हाँ हमारे लिए भी कुछ ही। अरे चलो ठीक है, 15 का टिकट 10 में ही कर दो, इतना ही बहुत है, और 5 वाला तो फ्री कर दो। सो गाइज, हमारी मूवी ख़त्म हो गई है और मैं अब आपको ना वो लगेज सेंटर दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे PVR रिवॉल्यूम में जब आप मूवी देखने आते हो ना, उसके बाद मतलब जब आप यहाँ पे तो रखते नहीं हैं, तो जहाँ पे रखते हैं वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब जो फ़ोन पकड़ेगा वो पकड़ेगा योगेश। योगेश प्लीज़ टेक दिस फोन। सो गाइज, फाइनली हमारा बैग और हमारा कैमरा बिल्कुल सेफ था, लकीली जैसे कि मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी आप अपना यहाँ पे कर सकते हो सबमिट, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सो अब हम जा रहे हैं कुछ पेड़ पूजा करने। अच्छा, ठीक है, और उससे पहले हम आपको थोड़ा यही बताएंगे कि ये जो मूवी थी, ये मूवी थी कैसी, ठीक है। तो अभी पहले थोड़ा कुछ खा पी लें और उसके बाद आपको हम मूवी का रिव्यू देते हैं। सो गाइस, दिस वाज द PVR रिवॉल्यूम जिसमें हमने वो मूवी देखी, और अब हम देखें कि शाम के वक्त यहाँ कितना सीधे ही जाना है ना। हाँ, शाम के वक्त यहाँ कितना ट्रैफिक बढ़ जाता है। नोबडी इज फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, एंड यू कैन सी कितना ट्रैफिक है दोनों ही सड़कों पे कितना ट्रैफिक है, यू कैन सी। एंड सो गाइस, हमने जैन चावल वाले के राजमा चावल खा लिए हैं, और मैं आपको बता देता हूँ भाई, प्लेट का दाम बढ़ चुका है, 90 रुपये हो गया। कभी मैंने 70-80 रुपये की खाई थी, अब तो 90 रुपये का हो गया। लेकिन एक बात है, टेस्ट बढ़िया था। टेस्ट कैसा था? टेस्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेस्ट बढ़िया था। अब आ जाते हैं मूवी की तरफ, जिसके लिए हमने आज पूरी इतनी जदोजहद करी, सच्ची 2 घंटे पहले घूमे, और अभी भी थोड़ा सा खाना पचा के घर जाने वाले, और वेदर कंडीशन इज़ वेरी गुड। और अब आप पूछेंगे वेदर का यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो मूवी हम देखने गए थे उसमें वेदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि
आपको पता है पायलट जो है जब भी उड़ान भरता है फ्लाइट के लिए जाता है तो यू नो आपको वेदर वगैरह का ही उनको ज़्यादा देखना पड़ता है, तो इसमें इसलिए आज का वेदर अच्छा है इसलिए हम बाहर घूम पा रहे हैं तो हम भी पायलट हुए ना, सो चलो पहले रोड क्रॉस कर लेते हैं। ये देखो सामने लॉर्ड ऑफ ड्रिंक्स है बट मैं पीता नहीं हूँ क्या तुम पीते हो? आ जाओ भाई नहीं तो पूछेंगे पायलट की किसकी गलती थी, योगेश पायलट या गौरव पायलट। सो गाइस अब फाइनली हम आपको बता देते हैं कि मूवी कैसी लगी हमें। तो सबसे पहले मैं योगेश बताएगा कैसी लगी भाई। हाँ 10 में से 4 stars ठीक है यानी इतनी मेरे को इतनी बढ़िया नहीं लगी। अच्छा बस टाइम पास थी। सेम यार क्योंकि पता क्या है पता ही आपको अजय देवगन को आजकल जुबा केसरी बोलते हैं सब। और उसमें कम से कम भाई साहब 20 सिगरेट के सीन थे, मतलब 20 बार सिगरेट निकाली बार हर बार बोलता जलाई तो नहीं। हर बार यही बोलता जलाई तो नहीं। और मतलब जो ऑडियंस वहाँ पर बैठी थी वो भी अजय देवगन को बार बार यही बोले थे जुबा केसरी। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर काफ़ी हो रही थी बट हमने उस चीज़ को ना इग्नोर किया और मूवी पर कंसनट्रेट किया। बट और कुल मिलाकर तक ऐसा लगा कि है ना मूवी खत्म हो गई। हाँ उसके बाद बस मतलब जो चीज़ हो रही पहले मतलब फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा था कि जो मतलब था ना जिस मतलब मूवी जिसके ऊपर थी रनवे 34 लैंडिंग करा दी कैसे कैसे हुई सब बता दिया ठीक है। उसके बाद जो इंटरवल के बाद का टाइम था उसमें था उसकी इन्वेस्टिगेशन। तो गाइस कुल मिला के बात यही है कि इस मूवी में यही दिखाया गया है कि जैसे भी कोई इंसिडेंट होता है ठीक है तो अगर पायलट बच जाता है तो भी पायलट को ब्लेम कर दिया जाता है, अगर पायलट मर जाता है तो भी पायलट को ब्लेम कर दिया जाता है। तो यही चीज़ है उस मूवी में बताने की कोशिश की कि हमेशा पायलट की मिस्टेक नहीं होती है। अब जैसे इस मूवी में क्या था कि जब पायलट डिसीजन लेता है कि त्रिवेंद्रम मतलब कोची से मौसम ख़राब था और त्रिवेंद्रपुरम की तरफ फ्लाइट जाने वाली है तो एक मतलब जो त्रिवेंद्रपुरम के जो ATS वगैरह होता है जो मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं फ्लाइट के साथ तो उन्होंने एक मैसेज पास ऑन किया था कोचिन ATS को बट वो उस बंदा जो भी वहाँ पे सीट पे बैठा था वो इनकम्पिटेंट था, उसका मेंटल हेल्थ और मतलब हेल्थ ठीक नहीं था तो वो जो पर्ची सी थी वो उसके साथ ही चली गई जिस वजह से वो मतलब उनको पता ही नहीं था कि भाई हमें वहाँ जाना है नहीं जाना है तो इस वजह से वो त्रिवेंद्रपुरम की साइड निकल लिए। तो एक मतलब छोटी छोटी गलती से किस किस तरह के डिज़ास्टर हो जाते हैं तो वो इस चीज़ में मतलब मूवी में दिखाई गई है। सो गाइज ओवरऑल इट्स योर कॉल कि इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच दिस मूवी और नॉट, मैं इसमें ज़्यादा कोई आपको ज़्यादा बोलूँगा नहीं ठीक है। आप देखिए रिव्यूज़ पढ़िए और जो भी हमने रिव्यू दिया उसके आधार पे आप देखिए कि आपको ये मूवी देखने हैं। अगर आप अजय देवगन के फ़ैन हैं तो आप जा सकते हैं। मैं तो कैरी मिनाटी की वजह से इसको मूवी को देखने गया था बट कैरी मिनाटी का इसमें कुछ ज़्यादा रोल था ही नहीं इतना खास, बस तो मुश्किल से 4-5 मिनट का टोटल था इसमें कैमियो। तो सो गाइज अब इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है और चलें फिर चलते हैं। तो अब यहाँ से हम राजी चौक पर हैं बाहर, आप देख पा रहे होंगे रोड राजी चौक का ही है और मेट्रो स्टेशन जस्ट हमारे पीछे है। और यहाँ से अब योगेश अपनी वाली ब्लू लाइन मेट्रो ले लेगा द्वारका के लिए और मैं भी अपने कड़कडुमा के लिए ले लूँगा ठीक है। तो चलते हैं आपसे, आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वी वैल्यू योर सजेशंस और कोई भी फीडबैक हो जरूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में और वंस अगेन दिस व्लॉग इज़ पॉसिबल ड्यू टू मिस्टर योगेश, हालांकि आज मेरा बहुत कट गया है 3-4 बार कटा है ठीक है और उसके लिए किसी दिन अलग से वीडियो बनाएंगे ठीक है। तो अभी किस तरह के कट सकते हैं ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओके बाय बाय।